हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन गावकर। वेलकम टू अ क्लास फॉर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, जहां पे रिवीजन हम लोग करने वाले हैं मनी मार्केट। इस चैप्टर की रिवीजन चल रही है। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट वन कर चुके थे। यूनिट वन में क्या था मनी मार्केट में? व्हाट वाज देयर इन यूनिट वन? वी डिड द कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड। Okay, this is what we are done with. In the second unit, today's agenda in the revision is concept of money supply. All right. So guys, let's quickly go through this. इस unit में हम लोग पढ़ने वाले the sources of money supply, measurement of money supply. कैसे measure करते हैं money? Can you help me? कैसे measure करते हैं money? Come on, it's easy. कैसे measure करते हैं? M1, M2, M3, M4. Do you remember? Yes, sir. ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने कल भी पढ़े थे वैसे हम लोग मनी को मेजर करते हैं। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इसके मनी मल्टीप्लायर पे तो जरूर सवाल आने वाला है। सो इन द प्रीवियस यूनिट वी डिस्कस्ड द थ्योरीज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ मनी। कौन सी थ्योरीज याद है आपको? कौन सी थ्योरीज याद है यूनिट वन की? क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच, दैट इज कैम्ब्रिज अप्रोच, देन किनीजियन थ्योरी, और पोस्ट किनीजियन थ्योरीज भी है, राइट? बॉमन, राइट? ऐसा कुछ याद है आपको? यस सर। ओके, मनी मींस अ मींस ऑफ पेमेंट, दस इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज। इट एक्ट्स एज व्हाट? अ लुब्रिकेंट, यानी जो हर काम क्या कर दे, स्मूथ कर दे हर काम। यस, हर काम स्मूथ कर दे। सो इरिस्पेक्टिव टू द फॉर्म ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, मनी परफॉर्म्स थ्री फंक्शंस। इट परफॉर्म्स थ्री फंक्शन, कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड इट स्टोर्स वैल्यू इन इटसेल्फ। और जो भी पैसा होता है, ठीक है, जो भी पैसा होता है मोस्टली इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड मनी, राइट? ब्रॉड मनी इज M2, M3, M4, व्हाटएवर, व्हाट? M1, M3, पक्का बोलो? Yes guys, M3 is broad money, और M3 का formula है M1 plus time deposits with the banking system. Time deposits से क्या होता है? एक deposit होता है time deposit, दूसरा कौन सा? दूसरा होता है demand deposits. तो fixed deposits time deposit होता है या demand deposit होता है? Time deposit. Correct. ठीक है, M1 का formula क्या है? M1 is equal to करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, दैट इज कासा डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। व्हाट इज कासा? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, देन M2 में M2 का फॉर्मूला क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस ओनली सेविंग्स। ठीक है, एंड M4 जो है, M3 तो हमने पहले देखा है, एंड या दैट्स दैट। रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, ठीक है, हमें मनी सप्लाई क्यों मेजर करना है? काफी सारा एनालिसिस हुआ और ठीक है, काफी सारा एनालिसिस हुआ। सो गाइस, एनालिसिस किया हमने, एम्पिरिकल एनालिसिस किया बेस्ड ऑन द वेरियस एक्सपीरियंस। आपने अगर मनी सप्लाई को मेजर किया तो आपको मनी ग्रोथ के तरीके पता चलेंगे, आपको मनी ग्रोथ के तरीके पता चलेंगे, कितना स्टैंडर्ड स्टॉक हमने मेंटेन करना है इकोनॉमी में, कितने पैसे हमने इकोनॉमी में डालने हैं ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, और हमें ये भी पता चलेगा कि इंडिया में, आपकी कंट्री में, इंडिया नहीं हम लोग कंसिडर करें, हम लोग कोई भी कंट्री की बात करें, तो मॉनिटरी पॉलिसी बनाने में मदद करेंगे। और अगर मॉनिटरी पॉलिसीज अच्छी नहीं रही तो आपके साथ जिम्बाब्वे हो जाएगा। कुछ याद है क्या? इतनी बड़ी नोट छापनी पड़ जाएगी आपको अगर आपने मनी सप्लाई या मनी मेजर नहीं किया तो। सो दैट्स व्हाई मनी मेजर करना इंपॉर्टेंट है। द सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, द वेरियस सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, पैसा सप्लाई कौन करता है? ये जो नोट है आपकी, कौन सप्लाई करता है बताओ? आरबीआई। करेक्ट, आरबीआई। तो या तो पहला तो सेंट्रल बैंक, मेजरली सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है मनी सप्लाई, और दूसरा है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। ये कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम कौन सा पैसा जनरेट करती है? क्रेडिट मनी। करेक्ट, क्रेडिट मनी। सो गाइस, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड सप्लाई रिस्पॉन्सेस ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। मनी ईदर हैज इंट्रिंसिक वैल्यू और रिप्रेजेंट्स टाइटल टू कमोडिटीज। ओए, मनी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। मनी
ठीक है, डजंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज नाउअडेज कैसा मनी है, ये पैसा कैसा है, फिएट मनी है, ठीक है। सो गाइस आजकल का जो पैसा है वो फिएट मनी है। फिएट मनी की एक लाइन याद रखना, फिएट मनी इज मटेरियली व्हाट, मटेरियली वर्थलेस। ओके सो गाइस मुझे एक बात बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड एज व्हाट, द सम ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड एज व्हाट, हाई पावर्ड मनी। करेक्ट, हाई पावर्ड मनी इज द आंसर। द आंसर इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कम ऑन जल्दी, मॉनिटरी बेस। ये भी ना बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। और करेंसी ना धीरे धीरे इवॉल्व हुई, पहले तो बार्टर आया, फिर गोल्ड आया, फिर दूसरे मेटल्स भी आए, फिर पेपर, ठीक है। और आजकल क्या चल रहा है, डिजिटल प्लास्टिक कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, ठीक है। और इसके लिए सीबीडीसी भी आया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, द चेंजिंग फीचर्स ऑफ मनी आर डिफाइनिंग न्यू फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ द इकोनॉमी फर्दर विद द एडवेंट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। व्हाट डू यू मीन बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, latest technologies, digitalization of money is the next milestone in the monetary history. Advancement in the tech has made it possible for the development of new form of money that is CBDC, Central Bank Digital Currency. Iska sticky note bana ke rakh do, is pe zarur question aayega. Iska sticky note aap bana ke zarur rakh do. Alright, aur yeah, that's that. Cryptocurrency bhi aa chuka hai, lekin unhone RBI ne isko debar kar diya hai. आरबीआई ने इसको डिबार कर दिया है, ठीक है। सो या हमने ये सारे फॉर्मूले देख लिए, M1, M2, M3, M4 पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, करेंसी जहां भी बोलते हैं, करेंसी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी एज वेल एज कॉइन, यानी करेंसी यानी हमेशा नोट नहीं होगी, याद रखना, करेंसी यानी सिर्फ नोट नहीं होगी, करेंसी में नोट भी आएगा और आपका कॉइन भी आएगा, दोनों चीज आएगी, याद रखना। ओके, सो देयर आर टू अल्टरनेटिव थ्योरीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट व्यू, मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एक्सोजेनसली बाय द सेंट्रल बैंक, एक्सोजेनसली यानी कितना सप्लाई करना है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिसाइड होता है। सेकंड व्यू, एक्सोजेनसली का अपोजिट वर्ड बताइए, हमें देखना है कि कितना पैसा मार्केट में आने से पैसा कितना मल्टीप्लाई होता है। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, यानी जब हम लोग पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज करते हैं, उससे हमारा पैसा कितने गुना बढ़ जाता है, कितना गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। सो द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई इज द मॉनेटरी बेस, ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई इज द मॉनेटरी बेस, ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। तो याद रखना, इट इज कॉल्ड एज MB मॉनेटरी बेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी। A bank loans or invests excess reserves to earn more interest. Bank loan deti hai. 1 rupee increase in the monetary base causes the money supply to increase more than 1 rupee. This increase in the money supply is called as money multiplier. Humne 1 rupee market mein zyada dala, jisse 1 rupee ke 4 rupee ho jate hai, to ye ho gaya money multiply. Theek hai? So guys, jo money supply hota hai, money. Theek hai? Money do tarike se market mein hota hai. Kaun sa tarika hai? पहला तरीका जल्दी बोलो, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और दूसरा पैसा जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, M=C+D। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो याद रखना है आपने, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर, जो मॉनेटरी बेस है ना, हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस जो पैसा आरबीआई ने क्रिएट करके रखा है, वो पैसा क्रिएट करने से मार्केट में वो पैसा कितना बढ़ गया, अब नया पैसा जितना बना, इसको क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बना, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। करेक्ट,
ठीक है. सो गाइज द आंसर इज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस. सो गाइज टेल मी, अगर हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी बेस 100 करोड़ था, मनी सप्लाई 800 करोड़ है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ? 8. करेक्ट. बेसिक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसा मैंने अभी आपको पूछा है. ठीक है. अच्छा अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर अगर ये पैसा बैंक ने लोन आउट नहीं किया, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, ये पैसा बैंक ने लोन आउट नहीं किया, तो मल्टीप्लायर होगा या नहीं होगा? मल्टीप्लायर, पैसा मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. बेसिक्स पे ध्यान रखना. पैसा दुगना तिगुना चौगुना तभी होता है अगर उसको बिजनेस के लिए यूज किया जाए तो. सो गाइस व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर? इट्स रेसिप्रोकल टू द रिजर्व रेशियो. रिजर्व रेशियो, रेज योर हैंड्स. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे आंसर राइटिंग में चाहिए, चैट में लिख दो आंसर. टेल मी, बैंक्स को दो टाइप के पैसे मेंटेन करने पड़ते हैं, दो टाइप के रिजर्व्स कौन से हैं? जल्दी बताएं. दो टाइप के रिजर्व्स, राइटिंग नो, इसमें चाहिए मुझे, मुझे चैट में चाहिए. चैट करेक्ट गाइज, द आंसर इज CRR एंड SLR. तो जितना ज्यादा रिजर्व आप RBI एक बैंक को मेंटेन करने बोलेगा, जितना ज्यादा रिजर्व RBI बैंक को मेंटेन करने बोलेगा, उतना ज्यादा पैसा बैंक के पास पड़ा रहेगा जो वो लोगों को लोन आउट नहीं कर सकेगा. करेक्ट है, जो पैसा लोगों को लोन आउट नहीं कर सकेगा. राइट तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा या ज्यादा, बताओ? कम हो जाएगा. मनी मल्टीप्लायर कम होगा. तो गाइस जितना भी रिजर्व मांगा जाएगा, रिजर्व रेशियो का रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स. इनवर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गाइस मनी मल्टीप्लायर का रिलेशन, मनी मल्टीप्लायर का रिलेशन रिजर्व से होगा इनवर्स. मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/ रिजर्व रेशियो. गाइस बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है. सो हायर विल बी द रिजर्व रेशियो, स्मॉलर विल बी द मल्टीप्लायर. करेक्ट, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन. करेक्ट. सो एंड द साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इज रिसीव्ड इज रिड्यूस्ड जब क्या होता है, जब फंड्स आर हेल्ड इन, किस फॉर्म में अगर आपने पैसा रख दिया, तो लोगों ने अगर पैसा कैश में रख दिया, हाथ में रखोगे पैसा तो बिजनेस में नहीं आ पाएगा, बिजनेस में नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा. ओके बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आएगा, याद रखना. ओके अच्छा एक बात बताओ, डू यू रिमेंबर दिस फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? मिल्टन फ्रीडमैन, इनका क्या कहना था पैसे किसके लिए यूज करने चाहिए? ट्रांजैक्शन करेक्ट, कैपिटल असेट्स के लिए यूज करना है, जो आपको परमानेंट इनकम दे और थोड़ा रिस्क भी रहता है इसमें. ठीक है. अब मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, आपके पास कितना स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी है? हाई पावर्ड मनी एच इज आल्सो कॉल्ड एज, बोलो, मॉनेटरी बेस. करेक्ट. रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट स्मॉल ई, याद रखना इसको, रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट स्मॉल ई. स्मॉल ई यानी आपने, स्मॉल ई का वैल्यू कैसे निकलता है, आपको रखना था 20% रिजर्व्स, आपने रखा 25% रिजर्व्स, तो आपने एक्सेस रिजर्व कितना रखा बताओ? आपको 20 रखना था, 5%. तो ये 5% डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स गिव्स यू द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई, दैट इज रिजर्व रेशियो. और करेंसी रेशियो डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में कितना पैसा करेंसी के फॉर्म में है, दैट इज द करेंसी टू डिपॉजिट, दैट इज स्मॉल सी. इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. ओके आगे बढ़, इस इन सारे ई और सी को हम लोग यूज करने वाले हैं कुछ समय के बाद. ओके सो यू मे नोट दैट दिस रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक, बिहेवियर ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी कितना पैसा सप्लाई होना चाहिए, ये तीन लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है. किसके बिहेवियर पे? बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक, बिहेवियर ऑफ द कमर्शियल बैंक, बिहेवियर ऑफ द जनरल पब्लिक. राइट, रेज योर हैंड्स, किसका बिहेवियर चेंज नहीं होता आसानी से? जनरल पब्लिक.
जनरल पब्लिक का बिहेवियर आसानी से चेंज नहीं होता है। सबसे ज्यादा आसानी से चेंज होने वाले लोग कौन है? सेंट्रल बैंक। एब्सोल्युटली करेक्ट, मजा ही आ गया। द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल्स द इश्यू ऑफ करेंसी इज रिफ्लेक्टेड इन द सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर्ड मनी। मनी स्टॉक इज डिटरमिन्ड बाय मनी मल्टीप्लायर एंड मॉनेटरी बेस एंड इज कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए गोल्ड है। द टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी विल वेरी डायरेक्टली विद द सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर्ड मनी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। The behavior of commercial banks by creating credit, the commercial banks determine the total amount of nominal demand deposits. The behavior of commercial banking in the economy is reflected in the ratio of the cash reserves to deposits known as reserve ratio. ठीक है, reserve ratio, ठीक है, it's the required ratio on demand deposits increases while all other remains the same, more reserves would be needed. तो आपको reserve ratio अगर आप ज्यादा रखोगे तो आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा या कम loan करने के लिए? कम कम रहे तो मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। ठीक है, द स्मॉलर द रिजर्व रेशियो लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर। और बैंक्स ज्यादा एक्सेस रिजर्व नहीं रखते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? एसएलआर, फुल फॉर्म बताओ एसएलआर का, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट्स टू डिपॉजिट लायबिलिटीज। और दूसरा कौन सा होता है? CRR, cash reserve ratio. The behavior of commercial bank में excess reserves, ER, excess reserve का formula क्या रहेगा? Total reserves minus TR minus RR. उनको बोलो fail करके दिखाए, ऐसी पढ़ाई करो और उनको बोलो fail करके दिखाए। So guys, tell me the answer for this. Excess reserves का value बताओ। 200 billion. Beautiful, 200 billion. Okay. So guys, behavior of commercial bank भी ज़्यादा आसानी से change नहीं होता। और जो तीसरा है, ठीक है, किसका behavior किसका? The behavior of the public. The demand deposits undergo multiple expansion while currency in your hand does not. अगर आप पैसा हाथ में रखोगे तो multiply नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पैसा आप deposit करोगे bank में रखोगे तो पैसा multiply होगा. Hence when bank deposits are being converted into currency, banks can create less credit money. So guys, तो ये भी आसानी से नहीं होता। तो लोग कितना पैसा हाथ में रखते हैं किससे पता चलता है? Small c, currency ratio. Currency ratio का formula बताओ जल्दी, अभी करवाया था मैंने। करेंसी अपॉन डिपॉजिट। ओके, सो गाइस, या दैट्स बिहेवियर अपॉन, ठीक है, बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। सो गाइस, तीन लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि कितना मनी मल्टीप्लाई होगा। तो मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला तो ये है हमारा, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है क्या, जिसमें स्मॉल सी, स्मॉल आर, स्मॉल ई भी आता है? करेक्ट। सो गाइस, एक बहुत बड़ा लंबा सा डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया था, डू यू रिमेम्बर? और वहां से हम लोगों ने एम के लिए दूसरा फॉर्मूला भी निकाला था, वेयर देयर आर एक्सेस रिजर्व्स, द मनी मल्टीप्लायर एज एम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एम इज इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस ई प्लस सी, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस ई प्लस सी, ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और फिर मनी सप्लाई का फॉर्मूला बनाया, एम की वैल्यू उन्होंने डाल दी है ये फॉर्मूला। और एच, एच व्हाट इज एच जल्दी बताओ, व्हाट इज एच? हाई पावर्ड मनी, आल्सो कॉल्ड एज मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू एम, यही फॉर्मूला है वो, रिटन इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई कौन बनाता है इंडिया के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाते हैं। If the central bank of the country wants to stimulate the economic activity, OMO use करेंगे। OMO, open market operation, right? तो मुझे बताइए, अगर हमें economy को stimulate करना है, boost करना है, तो G-Sec purchase करेंगे या sell करेंगे? Purchase. करेंगे, अच्छे रेट में परचेस करेंगे और लोगों को क्या देंगे? पैसा दे देंगे। लोगों को पैसा दे देंगे तो लोगों के हाथ पे पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई हाई हो जाएगा, तो लोगों को बिजनेस में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, लोगों को बिजनेस में बूस्ट मिलेगा। ओके, सो या दैट्स दैट। और वही उसका अपोजिट, ओपन मार्केट सेल इज वेरी सिमिलर टू ओपन मार्केट परचेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग ओपन मार्केट में सेल करते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई क्या करते हैं, कम करते हैं। ओपन मार्केट सेल बाय सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस द रिजर्व्स एंड थेरबाय रिड्यूस द मनी सप्लाई। सो गाइस परचेस और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा ओएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप रेडी रहना। इज इट पॉसिबल टू हैव मनी मल्टीप्लायर एज जीरो? यस सर। Yes. It may happen that the interest rates are too low and the banks prefer to hold the newly injected reserves as excess reserves with no risk attached to it. Bank क्या करती है? Loan out नहीं करती है क्योंकि उनको risk नहीं लेना होता है। तो ऐसे situation में money multiplier zero हो सकता है। MCQ के लिए थोड़ा depth वाला question है। MCQ के लिए gold बन सकता है। Government spending, government पैसा spend करती है? Yes. किस चीज पे government पैसा spend करती है? सोशल वेलफेयर हेल्थ एडुकेशन फाइनेंस ट्रांसपोर्ट। सो इसका मनी सप्लाई, ठीक है, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और मनी सप्लाई, कुछ असर पड़ता है क्या? इसका असर कुछ पड़ता है मनी सप्लाई पे? चलो देखते हैं। व्हेन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस फॉल शॉर्ट ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट द एलिजिबल टू अवेल द फैसिलिटी कॉल्ड एज ways and means advances, also called as OD facility, overdraft facility. तो central और state government को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, central और state government को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसे loan करना, ये तरीका है ways and means advances। क्या ये ways and means advances, OD facility कहते हैं। When the RBI lends to the government under WMA OD, it results in the generation of excess reserves. That is excess balance of the commercial bank with reserve bank. This happens because when the government incurs expenditure, it involves debiting the government balance with the reserve bank and crediting the receiver. That is salary jo dena padta hai government employees ko, account with the commercial bank. The excess reserve thus created can potentially lead to an increase in the money supply through money multiplier process. So guys, ek minute. What is the effect of expenditure on money supply? Theek hai, money supply badh jata hai, yani multiplier zyada kaam karne lagta hai. अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो, याद रहेगा ये, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि क्या होगा, प्रोजेक्ट्स आएंगे तो काम आएगा तो लोग मेहनत करेंगे तो सैलरी मिलेगी तो पैसा रहेगा तो पैसा उड़ाया जाएगा, खर्च किया जाएगा तो धंधे बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे तो सबके पास पैसा आएगा तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा तो पैसा ही बढ़ जाएगा। सिंपल, बैंक के पास पैसा ही पैसा होता है। क्या कहते हो, बैंक का बिजनेस ही क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, और ये जो आया हुआ पैसा इसको क्या करना है, तिजोरी में भरना है। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनको पैसे, हाँ, लोन ऑफ देना है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स ये लोन ऑफ करती है बोरोवर्स को, ठीक है, क्योंकि ये पैसे अगर तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में ये पैसे बच्चे नहीं देंगे, हमें ये पैसा क्रेडिट के तौर पे यूज करना है जिससे इंडिया में मल्टीप्लाई हो, पैसा मनी का सप्लाई बढ़े, ठीक है। तो ये जो पैसा है लोन आउट करके, 1 का 5 होगा 1 का 10 होगा, इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर। लेकिन इस बार पैसा किस फॉर्म में मिला है, इस बार पैसा क्रेडिट पे मिला है, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा इसको कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है, जो एडिशनल पैसा जनरेट हुआ लोन के कारण इसको कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। द क्रेडिट मल्टीप्लायर ऑल्सो रेफर टू एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है, दिस द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग इज द अवेलेबल मनी, इट इज एन एक्सेस ऑफ द सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो इट इज द बैंक्स एबिलिटी टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, क्रेडिट मल्टीप्लायर है क्या, इट इज द बैंक्स एबिलिटी टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। चलो, क्रेडिट मल्टीप्लायर का रिजर्व रेशियो से कैसा रिलेशन रहेगा, सर रिजर्व रेशियो की डिमांड अगर ज्यादा रहेगी तो लोन कम दे पाएंगे तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। चलो, टेल मी द आंसर फॉर दिस, क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा अगर रिजर्व रेशियो 20 है तो? 5 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
तो क्रेडिट मल्टीप्लायर ठीक है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो से अपोजिट रहता है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द आउटकम ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग.
It explains how increase in the money supply is caused by commercial banks use of depositors fund to lend money. तो fractional reserve banking कहा जाता है इसको. यानी जो पैसा बैंक में आता है वो क्या पैसा पूरा लोन आउट करते हैं बैंक्स? बोलो. नहीं. कुछ पैसा तो बैंक को आरबीआई में रखवाना पड़ता है, राइट है क्या? कुछ पैसा बैंक को आरबीआई में डालना पड़ता है. Yes. उसी को कहते हैं सीआरआर. क्या कहते हैं उसको? सीआरआर. उसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. तो आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी विल गो इन टू क्रेडिट. इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. पूरा पैसा लोन आउट नहीं किया जाता, पूरा पैसा लोन आउट नहीं किया जाता, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ही पैसा मार्केट में आता है. All right. So guys, that was all about money supply का quick revision. Shall we test your knowledge, guys? Are you ready? Okay. Yes. Answer मुझे chat box में चाहिए. मेरे chat box पे नजर है. Okay. सबको सोचने का मौका मिलेगा, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे. I want you to be thorough with these MCQs. पहला, reserve money is also known as ABCD. Central bank money, base money, high powered money, all of the above. Absolutely correct, guys. The answer is all of the above. Reserve money is also known as central bank money, base money, high powered money, all of the above. ठीक है, आराम से, take your time, आराम से इसमें से correct statement ढूंढो, कोई जल्दी नहीं है मुझे. All right, guys, I hope आपने इस पे सोच लिया होगा. So, correct statement ढूंढना है. Money is deemed as something held by the public and therefore only currency held by the public is included in money supply. No, money supply में सिर्फ currency held by the public नहीं आता, deposits भी आते हैं, तो इसलिए ये statement incorrect हुआ. Money is deemed as something held by the public and therefore interbank deposits are included in money supply. No. Interbank deposits are not included in money supply. नहीं. Since interbank deposits are not held by the public, therefore interbank deposits are excluded from the measure of money supply. C, ये correct statement है. ठीक है? Good answers guys. जिसने भी C answer किया, बहुत अच्छा. Prayank, Kanchan, Reeti, Sam, बहुत बढ़िया. Next जो question है, ये याद रखने वाला question है, क्योंकि reserve money को लेके theory हमारे main content में module के नहीं है. Summary में उन्होंने reserve money add किया है. तो गाइस नेक्स्ट एमसीक्यू मैं उम्मीद नहीं करता कि आप सही करो, लेकिन याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं. रिजर्व मनी इज कंपोज्ड ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. ये इसका आंसर है. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या इसको आईएमपी मार्क करके रख दो. ये समरी में दी है इनकी डिटेल्स, मेन कॉन्टेंट में नहीं दी है. All right, guys. Then, M1 is the sum of. Take your time. देखो बहुत क्लोज बनाया उन्होंने क्वेश्चन. The answer is A.
करेंसी एंड कॉइन्स ऑफ द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, कासा एंड अदर डिपॉजिट्स। सेकंड ऑप्शन में उन्होंने डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स बोला है। तो परफेक्ट आंसर नहीं पता है तो आपका आंसर गलत होने का पूरा पूरा चांस है। अच्छा, हाउ इज एम वन डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व मनी, बताओ तो जरा। हाउ इज एम वन डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व मनी? करेक्ट, ठीक है, बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई बोला है, और एम वन के अंदर डिमांड डिपॉजिट विथ द बैंक आता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ऑलराइट, वेल डन। प्रिंटिंग एंड मिंटिंग ऑफ इंडियन करेंसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। कितना परसेंट पैसा इंडिया मिंट कर सकती है, करेंसी मिंट कर सकती है, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल है। टेक योर टाइम, आराम से सोचो। Alright, so guys, the correct answer is the central bank is the minimum reserve system के अंदर क्या होता है? They are empowered to issue currency to any extent. याद रखना, आप exam में बिना knowledge के any extent नहीं कर पाओगे। पहला option you will go for equivalent extent of reserve of foreign and gold securities, नहीं। आप एक minimum reserve of gold and foreign securities रख के कितना भी currency print कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ ये गलत है, but यही तरीका है। इसीलिए तो कौन सा money का जन्म हुआ है? यानी हम लोग थोड़ा सा इसलिए फिएट मनी का जन्म हुआ है। करेक्ट, तो गाइस बी आंसर इज करेक्ट। अगेन, भूलने का चांस है। जब एमसीक्यू देखोगे तो कॉन्सेप्ट पीछे रह जाता है और हम अपना लॉजिक लगाते रहते हैं और हमारे लॉजिक तो एकदम आरबीआई के गवर्नर के किस्म के होते हैं। सही है ना? ओके, द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ऑल द कंट्रीज बोला है, याद रखना। In all the countries, yes guys, RBI बोलोगे तो सिर्फ इंडिया की बात होगी। Central bank of the country is the correct answer. बहुत बढ़िया। The supply of the money in the economy depends on, दो ही लोगों पे depend करता है वो। Again, the answer is B. Central bank and the supply responses of the commercial banking system. Banks in the country are required to maintain deposits with central bank. ठीक है, banks in the country are required to deposit with the central bank for what? To meet the central bank's prescribed reserve requirement, यानी statutory CRR SLR की बात हो रही है, and to meet settlement obligation। आपके पास पैसा रहेगा, SLR रहेगा, तो liquidity रहेगी आपकी, liquidity रहेगी तो लोगों को पैसा चुका पाओगे, settle कर पाओगे सारे transactions। If the behavior of the public and commercial bank is constant, then आराम से सोचो, पूरे options पढ़ो। वैसे तो पब्लिक और कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो वो क्या पूछना चाहता है देखते हैं। ऑप्शन पढ़ो। ऑलराइट गाइस, यस, हमारा जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है उसको यूज करो। द टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी विल वेरी डायरेक्टली विद द सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर्ड मनी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। द आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये मल्टीप्लायर की बात हो रही है। ओके, देन अंडर द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, अंडर द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से सोचो। Under the fractional reserve system,
Okay, guys, under the fractional reserve system, the money supply is an increasing function of the reserve money and the money multiplier. So, guys, ये sir कैसे ये statement कैसे money supply बढ़ते जाएगा, ठीक है? अगर money multiplier काम कर रहा है तो, और fractional reserve system में याद है ना हम लोग क्या करते हैं? Fractional reserve system में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पूरा पैसा नहीं देते, ठीक है? Fractional reserve banking में हम लोग क्या करते हैं? कुछ पैसे कम नो कुछ रिजर्व रख के बाकी पैसा लैंड आउट करते हैं, लेकिन पैसा बढ़ता है तो इट इज अ फंक्शन, ठीक है? इट इज द मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी, ओके, एंड मनी मल्टीप्लायर. तो मनी मल्टीप्लायर रहेगा तो मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा. द मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई कैसे रिलेटेड है? मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई कैसे रिलेटेड है? एक्सेस रिजर्व रेशियो से. तो एक्सेस रिजर्व अगर रखेंगे तो लॉजिक लगाओ, एक्सेस रिजर्व अगर रखेंगे इसका मतलब लोन पे देने के लिए पैसे कम रहेंगे. लोन पे देने के लिए पैसे कम रहेंगे तो पैसा बिजनेस में नहीं आ पाएगा. पैसा बिजनेस में नहीं आ पाएगा तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा. द आंसर इज बी, नेगेटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व्स. ठीक है, फॉर्मूला ही है हमारे पास. ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है. और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है बताओ तो? हाँ, प्रैंक सही है, मल्टीप्लाई कम होगा. फिर एक दूसरा फॉर्मूला है, ये एक्सेस रिजर्व रेशियो ई वाला, स्मॉल ई वाला फॉर्मूला है. याद, चलो राइटिंग में दो मुझे. ये एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, दूसरा भी एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, स्मॉल एम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ई. जल्दी राइटिंग में चाहिए. करेक्ट, क्या बात है यार, अच्छा कर रहे हो आप लोग, गुड. स्मॉल इज इक्वल टू वन प्लस सी डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल ई प्लस स्मॉल सी. करेक्ट, गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स. वेरी गुड कशिश, वेरी गुड अंकिश, वेरी अंकुश, वेरी गुड केशव, बहुत बढ़िया. द करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स व्हाट? करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स व्हाट? करेंसी रेशियो, करेंसी रेशियो यानी लोग कितना पैसा, कैसा लोग कितना पैसा हाथ में रखते हैं, लोग कितना पैसा हाथ में रखते हैं. तो लोग है ना, तो इससे पता चलता है बिहेवियर ऑफ द पब्लिक. तो गाइस कुछ चीजें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. द साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय, टेक योर टाइम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. डी ऑप्शन आ जाने से बहुत आसान बन जाता है आंसर. द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. कैसे पता चला ऑल ऑफ द अबव? कौन बताएगा? ओरली बताओ कैसे पता चला ऑल ऑफ द अबव? फ्रॉम द फॉर्मूला, स्मॉल एम इज इक्वल टू वन प्लस स्मॉल सी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस ई प्लस सी. परफेक्ट, चलो टेक योर टाइम, आराम से सोचो. Dash tells us how much new money will be created in the by the banking system for the giving increase in high powered money. Banking system से नया पैसा create होगा, banking system से. तो banking हमेशा पैसा create करेगी उधार देके, loan देके. The answer is C, credit multiplier. Beautiful, बहुत बढ़िया, ठीक है. So guys याद रखना, banks जो है ठीक है, जिनके पास डिपॉजिट्स आते हैं ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और इसी डिपॉजिट को लोन आउट करके
वो लोग इंटरेस्ट का पैसा कमाते हैं। ये इंटरेस्ट जो देना पड़ता है डिपॉजिटर्स को और बोरोवर्स से जो लेते हैं, ये डिफरेंस ही इनका प्रॉफिट होता है। तो ये जो क्रेडिट मनी वो देते हैं अलग अलग सेक्टर्स को, तो इन सेक्टर्स को पैसा देने के बाद ये पैसा एक का पांच करते, एक का दस करते, मल्टीप्लायर काम करता है। लेकिन ये पैसा उधार का है इसलिए ये मनी मल्टीप्लायर नहीं है, ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो बैंक हमेशा क्रेडिट मल्टीप्लायर की जिंदगी जीती है। आहा, या करेक्ट। चलो आराम से सोचो, मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज व्हेन एबीसीडी। All right, guys. Again, money multiplier will be Raj for lower currency ratio, small c, lower required reserve ratio, small r, and lower excess reserve ratio, small e. कैसे पता चला? क्या source है? Formula. Sir, ये जो formula है, जादुई formula है, इससे काफी सारे questions easily solve हो रहे हैं. Good. चलो, the ratio that relates to the changes in the money supply. is given change supply to a given change in the monetary base is called. अरे इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता मेरे भाई, क्या क्वेश्चन दे रहा है? कम से कम शानदार सवाल पूछो जरा। द आंसर इज मनी मल्टीप्लायर। इजी, मनी मल्टीप्लायर का बेसिक फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर? ओरली बता दो। मनी सप्लाई अपॉन मॉनिटरी बेस। ठीक है, मनी सप्लाई अपॉन मॉनिटरी बेस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर। यही लिखा है इंग्लिश में। ठीक है, मनी सप्लाई टू द गिवन चेंज इन द मॉनेटरी बेस, यही रेशियो है, ये मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। बस इंग्लिश में दे दिया, आंसर सही करना है। फॉर द गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विल डिनोट, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ द मॉनेटरी बेस एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विल डिनोट। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो मनी सप्लाई का क्या होगा या डिमांड डिपॉजिट्स का क्या होगा? तुम सोच के बताओ। सर, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो बैंक को ज्यादा रिजर्व रेशियो में पैसे खुद के पास रखने पड़ेंगे या आरबीआई में जमा कराने पड़ेंगे, यानी लोन नहीं दे पाएंगे। लोन नहीं दे पाएंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। द आंसर इज ए। बेसिक लॉजिक लगाना, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। डिक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड ऑलमोस्ट अंकुश, सृष्टि, रमजान, प्रयांक सबके आंसर सही थे। गुड। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस एन इंक्रीज इन करेंसी रेशियो कॉजेज द मनी मल्टीप्लायर टू डैश एंड द मनी सप्लाई टू गेट डैश। आराम से, टेक योर टाइम। Alright, for a given level of monetary base and increase in the currency ratio. Currency ratio यानी public अपने हाथ में ज्यादा पैसा रखेगी, खर्चेगी नहीं, public पैसे हाथ में ज्यादा रखेगी और ये पैसा bank में deposit नहीं होगा तो multiply नहीं होगा, तो multiplier will decrease, और multiplier decrease हो गया तो multiplier का relation money supply से कैसा है? देख लो formula, multiplier का ratio money supply से कैसा है? बोलो direct. तो अगर मनी मल्टीप्लायर कम हुआ तो मनी सप्लाई भी कम होगा। तो आंसर इज बोथ इज डिक्रीज। करेक्ट है, कितने लोग आंसर सही आया? सर यही सोचा था हमने। ओम, प्रणव, केशव, अंकुश, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट इट करेक्ट। वेल डन गाइस। मैं उनको बोलो फेल करके दिखाए, क्या कहते हो? नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे।
ठीक है सॉरी. नेक्स्ट, इफ द कमर्शियल बैंक्स रिड्यूस देयर होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व, इफ द कमर्शियल बैंक्स रिड्यूस देयर होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व, रिड्यूस देयर होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व, तो क्या होगा? अब बताओ. एक्सेस रिजर्व जो है वो रिड्यूस कर दिया, यानी जो स्मॉल ई है वो कम कर दिया, स्मॉल ई कम कर दिया, इसका मतलब मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. द आंसर इज सी. वंडरफुल गाइज, यू डिड रियली वेल देयर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. ठीक है, मनी मार्केट का एक और यूनिट हमने कंप्लीट कर चुका है, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई. ऑलराइट गाइज, सो वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड इन द चैप्टर मनी सप्लाई. वी आर लेफ्ट विद वन यूनिट, वी विल रिवाइज इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट गाइज, दिस इज पवन गोगोई साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सॉरी, वेल, बाय बाय गाइज.